ये जो अभी SIT से जांच कराई है मॉल प्रकरण में, अब इसमें पूरा सामने क्या आया है, आगे क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है? जो SIT की जांच कर सामने भ्रष्टाचार का अड्डा है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भ्रष्टाचारी है वही मेरे खिलाफ अविश्वास लाने की है, क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार खोलता हूँ। ये कैसे ईमानदार आदमी होता है, कैसे हमारी दुकान खोले, ये इनका होता है। अच्छा, जो सामने लेकर गए आपने इसकी रिपोर्ट DM या कमिश्नर को भेजी है? वो मैं DM पुलिस साहब को भेजती है, वो उसमें एक्ट में है कि वो इसको अपनी जांच पूरी करके और FIR कराने। दूसरा, अभी फ्लोर टेस्ट जो हाईकोर्ट से आदेश आया है DM साहब के पास, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्यों आया है? इससे पहले भी हो चुका है और 2-3 बार पहले भी हो चुका है, क्या भाई इसमें क्या है? ये जो मॉल में भ्रष्टाचार जिन्होंने सम्मिलित है मॉल में, तो भ्रष्टाचारी लोग सम्मिलित हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूर्व अध्यक्ष सभा पसभा कार्यकाल के कुछ जिला पंचायत सदस्य हैं जिनका अपना ही किस्मत था, वही लोग बार बार की मैंने षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ उतारने की वो करते हैं। सदस्य भी हैं जो पहले आपके साथ थे, आप उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सदस्य का क्या रोल रहता है? भाई सदस्य बहुमत हमारे साथ, सदस्य हमारे साथ। अब 6 तारीख को आपके वो भी आ रहे हैं, योगी जी और अमित शाह भी आ रहे हैं जिला, तो मैं उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बात रखूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के तहत काम करा, और जो हमारे मूल मंत्र है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बनाएंगे, उसी उद्देश्य से मैंने जिला पंचायत की सभा बसपा कार्यकाल की जांच कराई, जिसमें घोर अभियान